नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपकी क्वेरीज हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ, प्लस आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा आज। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो जो आप लोग अभी भी पूछ रहे हो, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइव डिस्कशन भी किया था, लेकिन फिर भी अभी कई लोग यही पूछ रहे मैम एग्ज़ाम कब होगा, शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी। तो देखो, जैसा कि पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि लगातार मैं आपसे बोल रही थी कि आपकी लड़ाई है, आपको जाके बात करनी चाहिए। मैं जाती हूँ, मेरे जाने का उतना असर नहीं पड़ता। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग बहुत, आप लोगों को लग रहा कि मैम ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जितना इस फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म में इतने लोग भरे गए थे, उस हिसाब से जो आप गर्ल्स इकट्ठा हुई थी उसका बहुत असर पड़ा। असर ये पड़ा कि उसके बाद से विभाग में इस भर्ती के बारे में बातें होने लगी हैं। अब मुख्य सेविका के बारे में ये हो रहा कि नहीं, इतनी लड़कियाँ आई थी, इतनी परेशान हैं वो अपने एग्जाम्स को लेकर, तो हमें जल्दी करानी है। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम, अब अभी भी देखिए बहुत से लोग बार बार लगातार बोल रहे हैं मैम भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, मैंने शुरू से लेकर अंत तक लगातार, आप मेरी कोई वीडियो देख सकते हैं, मैंने हमेशा आपसे बोला है भर्ती डिले ज़रूर होगी लेकिन रद्द नहीं होगी। ये बहुत समय बाद ये भर्ती आई है मुख्य सेविका की, तो डिले ज़रूर हो सकती है लेकिन रद्द नहीं होगी। ये अब ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई, लड़कियाँ खुद गई थी, उन्होंने खुद वहाँ बात की, तो खुद आपको पता चल गया कि भर्ती रद्द नहीं होगी। देखिए, पहले लोग जनता दरबार में गए थे, ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है उनसे बात हुई थी, योगी जी से बात तो नहीं हो पाई थी लेकिन उनसे बात हुई थी। लड़कियों ने बताया कि हमारा एग्ज़ाम पैट 21 का है, 23 हो गया है, बहुत डिले हो रहा है और सिर्फ लड़कियों की भर्ती है इसलिए तो शायद ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब बातें सुनने के बाद उन्होंने बोला, आश्वासन दिया मंत्री जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं और मैं इस मुद्दे को खुद से देखूंगा। तो यही बहुत पॉजिटिव बात है अगर आप समझ रहे होंगे तो। दूसरी चीज़, उसके बाद लड़कियां आयोग जब उस दिन इकट्ठा हुई थी तो वहां पर उन्होंने सचिव जी से बात की, सचिव जी ने साफ साफ उन्हें दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया गया उनको कि देखिए ये लेटर है, ये चीज़ें हैं जो हमने विभाग पे टाइम टू टाइम भेजी है, उनसे मांगी हैं। तो आपको एक पहली बात तो ये बताना चाहूँगी मैं, वो ये कि देखो, जो आपकी पता है आपको डिले क्यों हो रहा है, डिले का सिर्फ एक कारण है, वो है आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर। जो आप लगातार कंफ्यूज हो डे वन से कि बीएससी वाले एलिजिबल हैं, बीए वाले एलिजिबल हैं, तो देखो मैं एलिजिबिलिटी के लिए तो इस वीडियो में अभी कुछ नहीं बोलूँगी, इसलिए नहीं बोलूँगी, जल्द ही इसका ऑफिशियल चीज़ आने वाली है, ऑफिशियल आ जाएगी तब देख लेना। अभी मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, उससे बेहतर है जैसे पढ़ाई कर रहे हो करो, एलिजिबिलिटी को लेकर आपको खुशी ही होगी इतना जान जाओ, कुछ डीमोटिवेट करने वाली बात ही नहीं होगी कि आपको दुखी होने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी जब आएगी ना तो आप उससे संतुष्ट होगे, आपको लगेगा चलो अच्छा हुआ। ठीक, तो बस अब उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी मत भरमार लगा देना कि हम एलिजिबिलिटी को लेकर बता दीजिए। एलिजिबिलिटी की बातें जो बेबी रानी मौर्य जिनको आप जानते होंगे उनकी तरफ से कर दी गई है फाइनल, एलिजिबिलिटी को लेकर पूरा फाइनल कर दिया गया है मुद्दा। बस आप एक चीज़ समझ लो, अब क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी को लेकर फाइनल हो गया है, अब बस थोड़ा टाइम लगेगा कि देखो ये चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, है ना, गवर्नमेंट चीज़ें हैं, पहले विभाग में जाएंगी पुष्टाहार विभाग में, फिर वहाँ से ये आयोग को आएंगी, फिर ये पब्लिश होंगी, फिर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ज़रूर अभी भी इसमें लगेगा भर्ती में आपकी, ऐसा नहीं कि भर्ती एक दो महीने में हो जाएगी कंप्लीट आपकी, थोड़ा समय दिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भर्ती अब होगी और टाइम से होकर कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात आपसे बताना चाहूँगी मैं कि परीक्षा जो है, मैं ही नहीं कहूँगी अभी कल परसों में हो जाएगी, टाइम लगेगा ज़रूर स्पष्ट परीक्षा का, लेकिन सबसे बड़ी बात जो एलिजिबिलिटी वाली थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, तो बस आगे का आप समझ ही सकते हो और वो जल्दी आपको नोटिस में भी दिख जाएगा। अब एक और बात बताना चाहूँगी आपसे, वो धारा 144 देखो लखनऊ में लगी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। उस दिन लड़कियाँ आई थी तो कई तरह से उनसे बातें भी की गई थी, बोला भी गया था, तो लड़कियां बता भी रही थी कि ऐसा बोला जा रहा था। तो देखिए, धारा 144 वाकई यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद आप लोग आए और आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो वहाँ पता चली आयोग से, वो ये इतनी लड़कियां इकट्ठा हुई लेकिन बहुत ही बेहतरीन शांतिपूर्ण ढंग से आपने अपनी बात को कहा। तो देखो, यही हमें करना है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हम लोग कोई क्रांतिकारी नहीं है, ना हमें कोई ऐसा है कि रूल चल रहा है हम पे कोई भी, हमें क्या करना, सिस्टम से लड़ना नहीं है, सिस्टम का ही तो हिस्सा बन के आप काम करने जा रहे हो, तो सिस्टम से हमें लड़ना नहीं है, सिस्टम में रह के सिस्टम से बात करनी है। ठीक है, बात करने के लिए आप लोग गए और उसका देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट पता चला, क्योंकि मैं हमेशा बात करती थी ना आपसे, कहती थी मैंने बात की, पूछा वहाँ विभाग से, तो यही मिलता था आयोग से, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, हो जाएगा एग्जाम, परेशान मत होइए मैडम, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन इस बार जब बात की तो उन्होंने कहा कि नई नई लड़कियाँ आई थी और संज्ञान में दिया गया है और अब इस चीज़ को लेकर लोग तेजी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ समझ में आई होगी आपको भी, तो इसको लेकर बहुत संतुष्ट हो जाइए आप लोग कि बहुत अच्छी चीज़ें बताई जा रही है।
आगे अगर देखिए हम बात कर लें तो वो आगे बात आपकी ये है कि यहाँ पर देखो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, एनालिसिस भी की थी, यहाँ थोड़ा सिलेबस आपका सोशियोलॉजी का है और ज़्यादा सिलेबस किसका है, होम साइंस का है। अगर आपने देखा होगा तो मुख्य सेविका का काम क्या है, आंगनबाड़ी से जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना है आपका, पढ़ाई लिखाई है, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको करनी है। तो इसीलिए एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसा आपने A&M का पैटर्न भी देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो होम साइंस पे। सोशियोलॉजी में भी करना है, ऐसा नहीं सोशियोलॉजी को छोड़ देना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको होम साइंस पे करना है। तो मैंने देखिए आपको बता भी रखा है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत से लोगों ने कोर्स ले रखा है मुझसे, आपको पता भी बहुत सस्ता है, 300 रुपये में आपको पूरी प्रैक्टिस सेट, थ्योरी, मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके सारा कंटेंट देख सकते हो, फिर आपको लगता है कि मेरी बातें समझ में आती तो आप मुझसे पेड कोर्स में पूरा PDF ले सकते हो, उससे आपकी मेहनत बचेगी, आपको प्लेलिस्ट से जो कंटेंट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देखो फटाफट रिविज़न मारो, ठीक है। तो वो काम ज़रूर करना शुरू कर दो, मैंने कहा है वो करते रहना, एग्ज़ाम कभी भी हो वो तैयारी अपनी तोड़ना नहीं है आपको, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए तैयारी, और फोकस किस पे करना है ज़्यादा, होम साइंस पे। मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी मैराथन क्लासेस वाली, आप लोगों की जो क्लासेस बनाई हैं वो ऐसे ही बनाई हैं, होम साइंस को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, RDA वगैरह को, वैक्सीन को, इम्यूनिटी के लिए क्या हो रहा है, कौन सी योजनाएं आ रही हैं किशोरावस्था वगैरह में। देखिए हाँ कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं हम GK GS में क्या आएगा, तो देखो GK GS से कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर गरीबी टॉपिक है तो गरीबी टॉपिक किस पंचवर्षीय योजना में था, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था, ये सब चीज़ें, ये सब कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ये GS का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रंगराजन समिति का वो आई थी, तेंदुलकर समिति ने क्या कहा, ये सब आपको पता होना चाहिए, भोर आयोग क्या था, समझ में आ रही बात, ये GS का पोर्शन हो जाता है, लेकिन ये मुख्य सेविका में ही आएगा। जितनी भी योजनाएं आपकी इस समय चल रही हैं जो किशोरों से या फिर गर्भावस्था से रिलेटेड है, वो सब पता होनी चाहिए, पूरी RDA पता होनी चाहिए, ये सब रिविजन की स्ट्रैटेजी बता रही मैं आपको कि फोकस ऐसे करना, होम साइंस से पहले ज़्यादा, फिर आप सोशियोलॉजी पे भी करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सोशियोलॉजी एग्जाम में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन होम साइंस के हिसाब से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी आपसे बतानी थी, जो मैंने बता दी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। पॉजिटिव देखो रहो, हर चीज़ पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है, ये भी आपको पता है। मोटिवेट सिर्फ करना चाहती हूँ आपको कि इस एग्ज़ाम को लेकर जितने आप लोग सीरियस हो ऐसे ही सीरियस रहो, बीच में बिल्कुल कंफ्यूज होकर छोड़ना नहीं, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। मैं भी जल्दी क्लासेस शुरू करूँगी, बाकी जिसको भी कोर्स लेना है, कुछ क्वेरी है, नंबर आप सभी के पास है, नहीं तो मैं अभी कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, कुछ वहाँ पूछना है तो पूछ सकते हो, कई ऑप्शन आपके मुझसे बात करने से। जिसको कोर्स लेना हो सीधे वहाँ व्हाट्सएप पर आप मैसेज करो, मैं आपको डेमो भी दे दूँगी, और प्लस आप प्लेलिस्ट देख के समझ लीजिए और कंटेंट कैसा है, ठीक है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हो, आगे भी करते रहना, अब टाइम नहीं है आपके कि आप पढ़ाई को छोड़ो, ठीक है। तैयारी से मैंने बताई उसी सेंस में, उन चीज़ों को लेकर कि वो टॉपिक्स अच्छे से करते हुए आपको पढ़ाई को अपनी पूरी करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन तो आप लेकर रहोगे, क्योंकि आप लोगों की जिद को जब आयोग ने पहचान लिया है तो फिर आप खुद से अपने कैलिबर को समझ लो कि आप सिलेक्शन ज़रूर ले लोगे, ठीक है। धन्यवाद, चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।